जुड़ी सबसे बड़ी खबर, जेडीयू के मंत्रियों को फोन आना शुरू हो गया है और कल पटना में ही रहने का निर्देश मिला है। जेडीयू कोटे के मंत्रियों को मंत्री पद के लिए फोन आना शुरू हो गया और कल पटना में रहने का निर्देश दिया है। कल 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई। बिहार से यह खबर आ रही है जहां जेडीयू कोटे के मंत्रियों को फोन आना शुरू हो गया है और कल 11 बजे दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और यह कहा गया सिर्फ फोन ही नहीं आया बल्कि यह कहा गया है कि कल पटना में ही रहा जाए तो अच्छा है, यह निर्देश जारी किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। आनंद, चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज ही ये होना था लेकिन चूंकि नामों को राजभवन तक भेजा नहीं गया बीजेपी के उम्मीदवारों को जो बीजेपी के मंत्री बन सकते हैं, इसलिए इसमें विलंब हुआ और कल ये 11 बजे होने वाला है। लेकिन जरा ये बताइए कि किस किस को ये कॉल गया है। तो हम अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस वक्त ये बड़ी खबर बिहार से आती हुई, कैबिनेट विस्तार, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के बाद जो बिहार के कैंडिडेट होंगे, एनडीए के जो कैंडिडेट बनेंगे लोकसभा चुनाव के लिए, उनके नामों की घोषणा भी सीट शेयरिंग के तौर पर सामने होगी। इसीलिए सबसे पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी निगाहें जाकर टिक गई हैं और जेडीयू कोटे के मंत्रियों को यह माना जा रहा है कि जो कॉल है वो अब घुमाना शुरू कर दिया गया है कि भाई कल आप तैयार रहिए, आपको शपथ लेना है। अब जेडीयू कोटे के वो कौन से मंत्री होंगे, हालांकि संभावित नामों की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि जो पहले के मंत्री हैं उन्हीं पर एक बार फिर से यकीन किया गया है नीतीश कुमार की तरफ से और इसीलिए उन सभी को बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका मंत्री के तौर पर दी जाएगी। चाहे उसमें अशोक चौधरी का नाम ले लीजिए, उसमें मंत्री रत्नेश सदा की बात कर लीजिए, जमा खां की बात कर लीजिए, ये वो तमाम नाम है जो विश्वस्त माने जाते हैं नीतीश कुमार के और उन्हें एक बार फिर से ये मंत्री बनने की जिम्मेदारी जो है दी जा सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार कल सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है और ऐसे में जेडीयू कोटे के जो मंत्री होंगे उन्हें फोन लगाया जा रहा है। और आनंद अमृतराज हमारे साथ बने हुए। आनंद, ये सवाल विभा ने किया था लेकिन फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हमें जरा ये बताइए किन किन नामों पर चर्चा हो रही है, कल तो होना ही है। देखिए मैं जेडीयू कोटा के तमाम उन्हीं चेहरों को जगह मिली है मंत्रिमंडल में जो पहले से मंत्री बने हुए थे 2020 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुआ था और महागठबंधन की सरकार बनी थी और उसके बाद गठबंधन टूट के फिर एनडीए की सरकार बनी, तो जो महागठबंधन के सरकार में जो मंत्री थे ऑलमोस्ट उन्हीं को ही बनाया गया है। एक मैसूर हजारी इसमें ऐड हुए हैं और उन्हें मंत्री पद की भी शपथ दिलाई जाएगी। तो जो जेडीयू कोटा के मंत्री हैं, जो सूत्र ने बताया कि जेडीयू कोटा के जो मंत्री हैं वो उन्हें कई लोगों को फोन आने लगा है और लगभग 4 से 5 मंत्री जिनसे बारी बातचीत हुई उनके पास फोन आ चुका है और धीरे धीरे करके तमाम लोगों के पास फोन आने लगा है। सूत्रों ने ये भी जानकारी दी है कल 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और तमाम जो जिन्हें मंत्री बनना है उन्हें पटना में रहने का ही निर्देश मिला है। तो जाहिर सी बात है विवेक, लगातार जो जिस बात की चर्चा थी कि भाई नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, उस चर्चा पे विराम लग गया है और आज जब विधान परिषद में 11 सदस्य जो निर्वाचित हुए थे और मुख्यमंत्री भी जब उस वक्त पहुंचे थे जब उन्हें जीत का सर्टिफिकेट देना था, उस वक्त भी पत्रकारों ने सवाल पूछा था, हम लोगों ने सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कि आज शाम को ही आपको पता चल जाएगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। और आनंद जरा ये बताइए कि महेश्वर हजारी का नाम आ रहा है तो क्या ये मानकर चलिए कि संजय झा की जो मंत्री पद वाली सीट खाली हुई है वहां पर महेश्वर हजारी को जगह दी जा रही है या और कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है? नहीं देखिए भी बिल्कुल आपने सही कहा, संजय झा जो राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं उनका जगह खाली हुआ था और उनके जगह पे महेश्वर हजारी को ही ऐड किया गया है और जाहिर सी बात है एक नए चेहरे के तौर पे वही है। इसके अलावा जो भी मंत्री पहले थे तमाम वही मंत्रिमंडल में फिर से शामिल हो रहे हैं, किसी नए चेहरे को जगह नहीं मिली और भी इसके पीछे वजह भी साफ है क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में जब मंत्रिमंडल का जब नई सरकार बनी थी और विश्वास मत प्राप्त करना था उस समय कई सारी बातें मीडिया में खूब जब खबर आई थी, जब खबर ये थी कि जेडीयू कई विधायक लापता हो गया, कई विधायक ट्रेस नहीं हो रहे हैं और जैसे तैसे रात भर मेहनत करके जेडीयू के नेताओं ने उन विधायकों की नाराजगी दूर की थी और जब विश्वास मत हासिल किया जाता उन विधायकों को अपने पाले में लाया था। तो नए अगर किसी भी मंत्री को मंत्री बनाया जाता तो आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते क्योंकि चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव आने वाले समय में, आने वाले साल में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में नाराजगी बढ़ने की संभावना थी। एक बेहतर तर्क ये हुआ कि भाई हमने उन्हें ही मंत्री बनाया है जो पहले से मंत्री थे, हमने कोई नया फेरबदल नहीं किया। तो जाहिर तौर पर आप इससे समझ सकते हैं कि जेडीयू ने एक बहुत अच्छा चार्ज खेला है कि उन पर कोई आरोप भी न लगे और
अपने जो विधायक हैं उनको संतुष्ट भी किया जा सके। तो जाहिर तौर पर एक जो जानकारी है, जिस जानकारी के आधार पे ऐसे भी हम समझें कि पुरानों की नाराजगी भारी पड़ सकती थी, तजुर्बे की नाराजगी भारी पड़ सकती थी, आगामी चुनाव में इसलिए भी कोई तब्दीली नहीं की गई है। बिल्कुल आपने सही कहा विभा, और यही वजह है, मुख्य वजह भी यही है कि अगर पुराने में किसी चेहरे को आप हटाते तो बिहार में जातीय समीकरण देखा जाता है, क्षेत्रीय समीकरण देखा जाता है। हो सकता है कि जिस नेता को भी आप, जिस मंत्री को भी बाहर करते हैं, उसका एक एक खास जाति का एक वर्ग होता है जिनकी नाराजगी आने का डर था, और लोकसभा चुनाव में कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर आप नए को करते तो नए के सबको संतुष्ट आप नहीं कर सकते, तो पुराने चेहरे को हटाकर नाराजगी मोल नहीं ले सकते, और नए चेहरे को कराकर जो अभी वर्तमान में विधायक है उनकी नाराजगी नहीं लेना चाहते। तो एक बेहतर रास्ता यही निकाला गया कि भाई उन्हीं ही रिपीट किया जाए, और तर्क दिया जाएगा कि भाई हमने किसी नए को बनाया नहीं, जो लोग थे उन्हीं में बनाया गया। और एक जगह जो खाली भी हुआ था संजय झा, और चूंकि मिथिलांचल के इलाके से ही दरभंगा, और अगर आप मधुबनी और दरभंगा और समस्तीपुर को देखें तो उसी इलाके से आते हैं, तो महेश्वर हिजारी को एक नए चेहरे के तौर पे शामिल किया गया। बहुत शुक्रिया आनंद इस वक्त ये खास जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन